आज का विषय अपना घटपर्णी पादप या कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण करता है, इसलिए इसका नाम है कीटभक्षी पादप। और यह अपनी पत्तियों को इस प्रकार रूपांतरित कर लेता है जिससे यह कीटों को क्या कर सके, पकड़ सके। तो यहाँ ध्यान से देखो, यह एक मैंने पीपल की पत्ती बनाई, इस पर आपको तीन संरचना है, पर्णशीर्ष, पर्णफल, अंगूठा। तो बेटा इसकी पत्तियां किस प्रकार अपने आप को रूपांतरित करती है, देखो जो चौड़ा हरा फलक होता है यह तो किसमें रूपांतरित हो जाता है, घट या कलश जैसी संरचना में, है ना। और जो पर्णशीर्ष है यह क्या बना लेता है, तो पर्णशीर्ष की पर्णशीर्ष से क्या बनता है, ढक्कन बनता है। और इसका पर्णवरण डंडी देखो, ये डंडी कैसी होगी बेटा, पत्ती का क्या काम है, प्रकाश संश्लेषण करना। तो इसकी ये पर्णवरण किसमें बदल जाती है, पत्ती जैसी हरी चपटी और मांसल संरचना में बन जाती है। और ये किसका काम करता है, तो कीटभक्षी पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा भी अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन यह ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यह कीटों का भक्षण करते हैं। फिर मैंने आपको दिखाया था कीटों ही नहीं, यह घोंघों को, छोटे सांप को, मेंढक को, चूहों को, इनको तक फंसा लेते हैं। तो ध्यान से देखो, यह यहाँ घड़े के मुख पर मीठा रस रखते हैं। अब देखो कोई भी चींटी या कोई भी मकोड़ा मेंढक जब यहाँ पर मीठा रस खाने आता है तो इसकी दीवारें यहाँ से चिपचिपी और चिकनी होती है, तो मीठा रस खाने के चक्कर में थोड़ा कहाँ जाता है, अंदर, और फिसल कर यह कहाँ चला जाता है, यहाँ पर आ गया। देखो ये की अब यहाँ नीचे क्या भरा हुआ है, तो यह पाचक रस धीरे धीरे इस पूरे कीट को क्या करा देगा, गला देगा, पचा देगा, और पचने के बाद ये जूस टाइप बन जाता है, क्या बन जाता है, जूस टाइप। और यह पत्ती उस जूस में से जो पदार्थ इसको चाहिए नाइट्रोजन, उसका क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। इस प्रकार यह कीटभक्षी पादप अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं। तो कीटभक्षी पादप के दो उदाहरण बता दोगे, एक तो पूरी क्या हो गया, घटपर्णी रोसेरा और वीनस फ्लाई ट्रैप। ट्रैप का मतलब जाल होता है, दिखाया था मोबाइल में वो वाला, वीनस फ्लाई ट्रैप। आप देखो इन पौधों को मांसाहारी पादप भी बोला जाता है, मांसाहारी पादप। चूहे में और गिलहरी में बैठा कर वो अंदर से रहेगी तो मांसी तो है उनमें, हाँ। तो यह उनको भी बचाकर और उनसे भी क्या ले लेगा, इसको जो चाहिए वो पोषक तत्व ले लेगा। तो अगर आपसे कह दिया जाए मांसाहारी पादपों के उदाहरण दीजिए तो भी यही रहेंगे, कीटभक्षी पादपों के उदाहरण दीजिए तो भी यही रहेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, इन कीटभक्षी पादपों को अपन विषम पोषी पादप भी कह सकते हैं। यह स्वपोषी तो है ही सही, स्वपोषी क्यों है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं भी तो बना रहे हैं, सारा काम स्वयं कर रहे हैं। केवल एक चीज जो ये नहीं कर पा रहे हैं, अगर मृदा में नाइट्रोजन होती तो बेटा जड़ों से उसको भी खींच लेते, लेकिन दलदल में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो उसको पूरा करने के चक्कर में इन्होंने अपनी पत्तियां रूपांतरित कर ली कि यह कीटों को फंसा सके और उनको बचाकर उनसे क्या ले सके। इस प्रकार बेटा कीटभक्षी पादप विषम पोषी भी हो जाते हैं। विषम पोषी उन पादपों को कहते हैं, उन जीवों को कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और दूसरे से बनाया बुनाया लेते हैं। तो एक प्रकार से देखो, कीड़े के अंदर, चींटी के अंदर, इनके अंदर नाइट्रोजन है, तो उनको यह क्या कर रहा है, बचा के ले रहा है, ठीक है। इस प्रकार यह स्वपोषी प्लस विषम पोषी दोनों का मिश्रण है, साथ में यह प्रकाश संश्लेषण करता है, इसलिए यह स्वपोषी भी है। अब कोई किसी को कोई प्रश्न पूछना है, बोलो भाई।